सो हे गाइस, अगर आप भी गूगल पे को यूज करते हो और आप अपना बैंक अकाउंट उसमें ऐड कर रहे हैं और बैंक अकाउंट ऐड करते समय आपको एक प्रॉब्लम आ रही है, नो बैंक अकाउंट फाउंड, यानी आपने नंबर भी डाल दिया और बैंक भी सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद वहां पे लिखा आ रहा है नो बैंक अकाउंट फाउंड। तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, साथ ये भी बताने वाला हूँ कि प्रॉब्लम आती क्यों। तो चलिए बना देखिए वीडियो को कर लेते शुरू। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब वीडियो कर लिए। तो इस वीडियो में आपको कुछ स्टेप्स बताने वाला हूँ जिनको कि आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, तभी आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो पहले स्टेप में क्या है कि आपको ये चेक करना है कि आप जिस भी मोबाइल नंबर को डाल रहे हो वो आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले ये चेक कर लेना है। 30% प्रॉब्लम यहीं पे होती है कि जिनका बैंक अकाउंट लिंक नहीं होता है उस नंबर से उसी को आप डाल देते हो, जिससे कि ये बताता है। तो यहां पे आपको ये चेक कर लेना है। और सेकंड स्टेप में आपको करना क्या है कि आपकी जो भी सिम है जिससे भी आप बैंक अकाउंट ऐड कर रहे हैं उस सिम को आपको आपके मोबाइल के फर्स्ट स्लॉट में डालना है, यानी पहले नंबर में आपको डालना है। अगर वो सेकंड स्लॉट में डाल रही है तो उसको आपको फर्स्ट में कर देना है, तो आपको इसको भी कर देना है। जैसे भी कर देते हो, थर्ड में आपको करना क्या है कि आपको ये चेक करना है कि आप जिस सिम को यूज कर रहे हो, जिस भी नंबर को यूज कर रहे हो, उस पर SMS का फीचर है या फिर नहीं है। मतलब कि आपने उसमें जो रिचार्ज कर रखा है उसमें आपको SMS का फीचर मिलता है या फिर नहीं मिलता है, क्योंकि जो BI और Airtel की सिम होती है इसमें आपको रिचार्ज कराना पड़ता है तभी आपका SMS आपको आता है, बिना रिचार्ज कराए आपको SMS नहीं आता। तो सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि आपने जो भी रिचार्ज करा रखा है उसमें आपका SMS का फीचर है या फिर नहीं है, तो ये आपको चेक कर लेना है। ऐसे सारी चीजें कर लेते हो उसके बाद आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अगर फिर भी नहीं होता तो एक लास्ट तरीका आपको क्या करना है, जो गूगल पे ऐप है उस पर आपको प्रेस करके रखना है और वहां पे आपको ऐप इन्फो का ऑप्शन आ जाएगा, ऐप इन्फो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां से आपको क्लियर डेटा पे क्लिक करके क्लियर कैचे कर देना है। जस्ट तो क्लियर कैचे आपको कर देना है। जैसे आप कर देते हो उसके बाद होम स्क्रीन पर आना है और सारे ऐप्स को आपको होम स्क्रीन पर से हटा देना है। हटाने के बाद आपको गूगल पे को दोबारा से ओपन करना है, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर फिर भी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो आपको जो मैंने पहली बार में बताया था कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है, तो वही प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है, उसको आपको एक बार चेक कराना है। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब।